चित्रा में हुए डबल मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। प्रेम प्रसंग के कारण हुई दोनों की हत्या। बीते 19 मई को चित्रा थाना क्षेत्र के ताराबाद निवासी हीरो महतो एवं उनकी पत्नी बिलासी देवी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद अगले सुबह चित्रा जामताड़ा मुख्य पथ पर चित्रा पुलिस को दो लाश पड़े होने की खबर मिली। खबर मिलते ही चित्रा थाना प्रभारी चंदन पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची व दोनों को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पाया कि बिलासी देवी की मौत घटनास्थल पर हो चुकी है, जबकि हीरू महतो की सांस चल रही थी। पुलिस ने तत्काल उसे उठाकर जामताड़ा अस्पताल भेजा, जहां से उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर देखते हुए रांची भेज दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के पति फनी महतो ने लिखित आवेदन देकर अपने दामाद के भाई पर हत्या का आरोप लगाया। बताया कि दोनों भाइयों में पूर्व की जमीन विवाद चल रहा था। घटना की शिकायत मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। उसके बाद पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट के निर्देशानुसार थाना प्रभारी चंदन पांडे ने कार्रवाई करते हुए सोमवार को घटना को अंजाम देने वाले अपराधी संजीत महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि घटना के दिन से ही अपराधी पटना भाग गया था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चित्रा थाना के ठाड़ी गाँव से गिरफ्तार कर लिया। प्रेम प्रसंग के कारण हुई दोनों की हत्या। घटना के संबंध में अपराधी ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि अपराधी संजीत महतो व मृतका बिलासी देवी के बीच वर्षों से अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था। घटना के दिन मृतका व उसका पति कोयला चुनने गया था। उसी समय अपराधी संजीत महतो अपनी प्रेमिका से मिलने गया था। उसी बीच दोनों में कुछ कहासुनी हो गई। उसी बीच मृतका का पति वहाँ पहुँच गया, जिसके बाद अपराधी एवं मृतक के बीच नोकझोंक होने लगी, जो मारपीट हो गया। उसके बाद आवेश में आकर संजीत महतो ने कोयला तोड़ने वाले गत्ता से उसके पति पर वार कर दिया। बीच बचाव करने आई कर मृतका पर भी अपराधी ने खतरनाक वार कर दिया, जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं उनके पति का भी रांची में इलाज के दौरान मौत हो गया। घटना के बाद पुलिस ने 10 दिनों में ही घटना का उद्भेदन कर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दिनांक 19 मई 2022 को चित्रा थाना प्रभारी को अहले सुबह करीब 2-3 बजे सूचना मिली कि चित्रा जामदारा रोड किनारे मैदान में दो व्यक्तियों का शव पड़ा हुआ है। जब थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे, वहां देखा कि एक महिला का शव पड़ा हुआ है तथा एक व्यक्ति की सांस चल रही है। उसे तुरंत अस्पताल भेजा गया। उसके बाद लेकिन अस्पताल पहुँचने के बाद उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद मृतिका के पिता फनी महतो के आवेदन के आधार पर चित्रा थाना कांड संख्या 29/22 दर्ज किया गया, जिसमें फनी महतो ने मृतक के बड़े भाई पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस अधीक्षक देवगर महोदय के निर्देश में तथा उनकी निरंतर मॉनिटरिंग में चित्रा थाना प्रभारी द्वारा घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया। घटना की मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाया गया, जिसमें चित्रा थाना प्रभारी थे और अनुमंडल की टीम थी। चित्रा थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ बहुत ही अच्छे से कार्य करते हुए घटना को उद्भेदन करते हुए घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त संजीत महतो आज दिनांक 30 मई को सुबह में गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पर घटना को प्रयुक्त करने में घटना को अंजाम देने में जो हथियार प्रयुक्त हुआ था उसे भी बरामद कर लिया गया है। यह घटना संजीत महतो ने प्रेम प्रसंग में की थी। मृतिका से इसका, जैसा कि संजीत महतो ने बताया, मृतिका से इसका अवैध संबंध था और उसी बात को लेकर घटनास्थल पर संजीत की मृतिका के पति से भी झड़प हुई थी और झड़प के दौरान ही आवेश में आकर पुलिस ने मृतिका और उसके पति की हत्या कर दी थी।